स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 9 को लेकर के, जो कि संस्कृत विषय से संबंधित कक्षा 4 का है और टॉपिक है बाल गीतम। इसके पिछले वीडियो में हमने पाठ योजना संख्या 8 में पंच परमेश्वर नामक टॉपिक को लेकर बात की थी, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट या होम पेज पर जा करके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और DLA थर्ड सेमेस्टर के लिए अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पाठ योजना संख्या 9। ये आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद आप विद्यालय का नाम, जिस भी प्राथमिक विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी यहाँ पर उस प्राथमिक विद्यालय का नाम डालेंगे। उसके बाद आप सीधे सीधे 5 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम दिनांक यानी डेट का रहेगा। जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालिएगा। उसके बाद दूसरा कॉलम कक्षा यानी क्लास है 4। उसके बाद चक्र यानी पीरियड, पहला दूसरा तीसरा अपने अकॉर्डिंग आप डालिएगा। अवधि यानी टाइम पीरियड है 30 मिनट। उसके बाद लास्ट कॉलम विषय यानी सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट है संस्कृत। तो आप चीजों को देखिएगा, बिल्कुल आप ऐसे ही तैयार करेंगे अपने लेसन प्लान, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहला प्रकरण यानी जिसे आप टॉपिक कहते हैं। प्रकरण है आज का बाल गीतम। इससे संबंधित हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे। तो सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए तो बिल्कुल ये आपके विषय यानी संस्कृत विषय से संबंधित होंगे। इसमें आप बच्चों को संस्कृत संबंधित सामान्य जानकारियां देंगे। इसमें जैसे आपने पहला पॉइंट बताया छात्रों में संस्कृत भाषा का विकास करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है छात्रों की लेखन शैली का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्ति के साथ साथ भाषाई जागरूकता उत्पन्न करना है। चौथा पॉइंट है संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो दोस्तों ये थे सामान्य उद्देश्य। आगे देखेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से संबंधित होंगे यानी बाल गीतम से संबंधित। इसमें आप लिखेंगे छात्रों को बाल गीतम पाठ बताते हुए उसके महत्व के विषय में बताना, ठीक है। तो ये थे विशिष्ट उद्देश्य जो कि टॉपिक से संबंधित थे। आगे देखेंगे हम सहायक सामग्री यानी TLM जिसे आप कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे पाठ से संबंधित चार्ट एवं फ्लैश कार्ड। उसके बाद अगली हेडिंग आएगी पूर्व ज्ञान यानी प्री नॉलेज, छात्रों को पहले से क्या कुछ पता है विषय से संबंधित। इसमें आप लिखेंगे छात्र पशु पक्षियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, आप बिल्कुल ऐसे ही चीजों को देखते हुए अपने लेसन प्लान तैयार करिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम प्रस्तावना प्रश्न। फिर आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्राओं से निकलवाने के लिए हम करते हैं। इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। इसमें आपने पहला प्रश्न किया बच्चों से, बच्चों आसमान में उड़ने वाले कुछ पक्षियों के नाम बताइए। छात्र क्रिया में छात्रों ने बताया चिड़िया, कौवा, ठीक है, कबूतर। उसके बाद आपने दूसरा प्रश्न किया चिड़िया कैसे बोलती है, बच्चों ने बताया चिड़िया चूं चूं करके बोलती है। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया चिड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं। यह समस्यात्मक प्रश्न हुआ कि छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता। यहाँ से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा। उद्देश्य कथन देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे छात्रों आज हम बाल गीतम नामक पाठ का विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न। प्रस्तुतिकरण प्रश्न की बात की जाए तो बिल्कुल आप पूरे टॉपिक को समझाएंगे, इसमें आदर्श वाचन करेंगे, ठीक है, और ये जो भी पाठ है संस्कृत में इसका अर्थ बताएंगे। इसमें इसके लिए आप क्या करेंगे, क्रम संख्या लिखेंगे, छात्राध्यापिका कथन, छात्रा कथन, 3 कॉलम बनेंगे। इसमें आप लिखेंगे चटका ब्रूते चू 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 गुज्जत, फिर डैश डैश ऐसे कर, क्योंकि लेसन आपका बड़ा है तो आप ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, ऐसे डैश डैश करके लिख सकते हैं। उसके बाद आप टॉपिक को पढ़ाएंगे इसलिए आप आदर्श वाचन देंगे, ठीक है। सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं छात्र कथन या छात्र क्रिया में। आदर्श वाचन में देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका उचित आरोह अवरोह के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगी। देख लेते हैं आगे, जैसे इसमें लिखा है अर्थ, अर्थ में लिखेंगे गौरैया चू 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 बोलती है, मुर्गा कुकड़ू कू बोलता है, कोयल कुहू कुहू करती है, हम सब प्रसन्न होते हैं, मेढक टर टर करता है, बच्चे हा हा करके हंसते हैं, कौवा काऊ काऊ करता है, वानर खौ खौ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप पूरा अर्थ बताएंगे जो भी संस्कृत में
यहाँ पर हमने देखा था, ये देख लीजिए। और आप ऐसे ही देख लीजिए, मुर्गा बनाइएगा, मुर्गा को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुक्कटाह, ठीक है। और ऐसे ही आप चित्र देखिए, बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, बहुत इजी इजी सिले डायग्राम बनाए हैं ताकि आप लोग आसानी से इसे बना सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुकरण वाचन इसी में आएगा। अनुकरण वाचन में लिखेंगे आप, छात्र अध्यापिका छात्रों से अनुकरण वाचन कराएंगी, यानी पाठ को पुनः पढ़वाएंगी तथा कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगी। छात्र क्रिया में छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, ठीक है। आप ऐसे लाइन खींच दीजिएगा यहाँ तक। फिर आप बताएंगे काठिन्य शब्द निवारण, एक तरफ आप शब्द डालेंगे, एक तरफ उनका अर्थ लिखेंगे। जैसे पहला शब्द है कोकिला, कोकिला का अर्थ क्या होता है, कोयल। फिर है ब्रूते, ब्रूते का मतलब बोलती है। फिर है चटका, चटका का मतलब गौरैया। अगर चटका होता तो नर होता, ठीक है, ये मादा गौरैया की बात है। उसके बाद कुक्कटा, कुक्कटा का क्या अर्थ है, मुर्गा। मंडूका, मंडूका का अर्थ होता है मेढक। तो ये है काठिन्य शब्द निवारण। और ऐसे ही बिल्कुल आप कोकिला का भी डायग्राम लगा सकते हैं बना के। तो डायग्राम देख लीजिए, आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे हम, आगे है बोध प्रश्न, यानी बोधात्मक प्रश्न। इसमें आप बच्चों को जांचेंगे, जो भी आपने स्पष्टीकरण अर्थ बताया है उससे संबंधित आप प्रश्न करेंगे। इसमें आपने पहला प्रश्न किया, चटका को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे चटका को हिंदी में गौरैया कहते हैं। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, मंडूका का अर्थ है, तो मंडूका का अर्थ है मेढक। तो इस तरह आप बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न बच्चों को देंगे। आगे देखेंगे हम, फिर आप डालेंगे श्यामपट कार्य, यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें आप दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, बिल्कुल जैसे फर्स्ट पेज पे आपने डाला था ऐसे ही आप ब्लैक चार्ट को काट करके, व्हाइट स्पार्कल पेन आता है उससे आप चीजों को मेंशन करिएगा। काठिन्य शब्द निवारण डाल दीजिए, या फिर आप प्रश्नोत्तर भी दे सकते हैं। जैसे काठिन्य शब्द निवारण में आप शब्दार्थ दे दीजिएगा, ठीक है, जैसे लिखा है आप ऐसे ही बिल्कुल लिख दीजिएगा। कोकिला, कोयल, कुक्कुटा, मुर्गा, मंडूका, मेढक, ब्रूते, बोलती है, ऐसे टाइप के आप क्वेश्चन दे दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे हम निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे, जब छात्र श्यामपट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कर रहे होंगे, तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी व आवश्यकता पड़ने पर छात्रों की सहायता भी करेंगी। आप बिल्कुल ऐसे ही निरीक्षण कार्य में चीजों को लिखेंगे, ये आप स्वयं करेंगे, यानी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका स्वयं करेंगी। उसके बाद देखेंगे हम पुनरावृत्ति प्रश्न, या जिसे आप अभ्यास कार्य भी कहते हैं। इसमें आप पाठ को पुनः दोहरवाएंगे, इसके लिए आप 2-3 प्रश्न दीजिएगा। जैसा कि पहला प्रश्न है, कौवा कैसे बोलता है। दूसरा प्रश्न है, मुर्गा कैसे बोलता है। तीसरा प्रश्न है, कोकिला का अर्थ बताइए। तो इस तरह आप पुनरावृत्ति प्रश्न दे करके बच्चों को पाठ का रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम गृह कार्य। गृह कार्य यानी होमवर्क है। होमवर्क में आप रिक्त स्थानों की पूर्ति दे दीजिए या शब्दार्थ दे दीजिए, ठीक है। जैसा इसमें पहला पॉइंट है, काका प्रलपति, ठीक है। दूसरा है, चटका ब्रूते, फिर ये ऐसे ही डैश कर दीजिएगा, डैश लगा दीजिएगा। वदति वानरः, चौथा है, मंडूका ब्रूते, शिखिना हवाड़ी। तो इस तरह आप रिक्त स्थानों की पूर्ति दे सकते हैं, आप चीजों को देख लीजिए। और ऐसे मंडूका का आप डायग्राम भी लगा सकते हैं, बहुत इजी वे में बना है, आप देख लीजिए, ऐसे ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा संस्कृत का लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह लेसन प्लान समझ में आ रहा हो। अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक भी कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि आपको चीजें कितनी पसंद आई हैं, ठीक है। के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 10 को लेकर के, जो कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्लास 4 का है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल study.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।